हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट रूल्स यूज होते हैं या क्या क्या इम्पोर्टेंट रूल्स होता है जो कि हम लोग एक या दो या तीन सेट पे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है हम लोग का सबसे पहला इम्पोर्टेंट रूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट। सपोज दैट कोई हम लोग सेट ए क्या मान लेते हैं, सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट 1, 2, 3, 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, और सपोज दैट सेट बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग क्या मान लेते हैं, 3, 4, 5, 6, ये क्या है सेट बी के। तो दैट मीन्स अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालें तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालें तब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि ए और बी में जो दोनों कॉमन है, तो ए और बी में क्या कॉमन है, 3 और 4, क्या है 3 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहीं पे अगर ए माइनस बी फाइंड करें, इन सब के बारे में हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ए यूनियन बी क्या होता है या ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है या ए माइनस बी क्या होता है। ए माइनस बी हम लोग का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए में जो बी का एलिमेंट है उसे हटा देना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सिमिलरली हम लोग बी माइनस ए करें तो ये क्या हो जाएगा कि बी में जो ए का एलिमेंट है उसे हटा देना, तो बी में एलिमेंट ए का एलिमेंट कौन सा, 3 और 4, तो 3, 4 को हटा देंगे बी से, तो बच क्या जाएगा 5 और 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, और यहाँ ध्यान से देखते हैं कि ए माइनस बी हम लोग का क्या है। ए माइनस बी और बी माइनस ए डिसज्वाइंट सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में कॉमन नहीं होता, ये डिसज्वाइंट सेट होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसज्वाइंट। ये क्या है, डिसज्वाइंट सेट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला हम लोग का रूल क्या होता है कि इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स, क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट्स होना चाहिए। ठीक है, और यू क्या है, कोई भी यूनिवर्सल सेट है। तो सपोज दैट यू हम लोग क्या मान लेते हैं, कोई भी नेचुरल, एन बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, इसका कोई सेट है। तो हम लोग का सबसे पहला रूल क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी जो दोनों में एलिमेंट सेट है, सपोज दैट ए यूनियन बी में मेरा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स हम लोग के, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हम लोग का क्या है, तो कितना है, 4 है। हम लोग ए में कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी में कितना एलिमेंट है, तो बी में भी देखते हैं ये भी कितना एलिमेंट है, 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, और ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं, ये हम लोग का क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें देखिए कितना एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, 2। दैट मीन्स 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 माइनस 2, दैट मीन्स ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 6। तो सबसे पहला रूल ये होता है कि ए यूनियन बी अगर हम लोग से पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट या जो इंटरसेक्शन में ए और बी में वो नंबर कितने हैं, तो वो 2 है। तो ये हम लोग का सबसे पहला रूल हो गया। दूसरा रूल हम लोग का क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, इफ क्या होना चाहिए, ए और बी दो डिसज्वाइंट सेट होना चाहिए, मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर हो जाएंगे, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, दूसरे फॉर्मूले से हट जाएगा अगर ए और बी डिसज्वाइंट सेट्स हैं। तीसरा हम लोग का है कि ए माइनस बी, ए माइनस बी में क्या एलिमेंट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी, ए में जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का होता है उसको घटा देते हैं। जैसे यहाँ हम लोग के ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, 3 और 4, तो ए माइनस बी की है तो क्या है, 3 और 4 को हटा देते हैं, ए माइनस बी हम लोग का क्या हो जाएगा, 2। ए में कितने हैं, 4, और इंटरसेक्शन में कितने हैं, 2। दैट मीन्स नंबर ऑफ ए माइनस बी अगर इसको हम इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए। ये हम लोग का तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फोर्थ हम लोग देखते हैं क्या होता है कि ए माइनस बी, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये जो हम लोग का ट्रायंगल बना हुआ है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये एक डिफरेंस होता है, तो कौन सा डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ए और बी क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको क्या पढ़ते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्या देता है, सिमेट्रिक डिफरेंस देता है। ठीक है, तो ए और बी में अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाता है हम लोग का, नंबर ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस ए में अगर यूनियन करें तो कितने हो जाएंगे ये फ्रेंड्स, 1, 2 एंड 5 एंड 6। तो ध्यान से देखिए कि
ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट था वो हट गया, ए और बी में क्या था कॉमन एलिमेंट था वो हट गया, दैट मीन्स क्या हो गया नंबर ऑफ ए माइनस बी और प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। और ये देखिए कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों हम लोग का क्या है डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या देखिए जब हम लोग ए माइनस बी के जगह क्या लिख सकते हैं, ए इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इतना पूरा फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम लोग का देखिए ए माइनस बी हट गया है ना, ए माइनस बी निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम लोग का हट गया है। सिमिलरली नंबर ऑफ बी माइनस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो इस पार्ट को ये लिख सकते हैं इस पार्ट को ये। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का क्या है दो बार घट गया है, दैट मीन्स हम लोग का क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस टू टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पांचवा हम लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि अगर हम लोग का तीन सेट कोई ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ये हो गया, ये बी हो गया और ये हम लोग का क्या हो गया सी हो गया, ये हम लोग का क्या है ए है, ये क्या हो गया बी हो गया और ये क्या हो गया सी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर नंबर ऑफ ए लिखते हैं तो भी ये जो हम लोग का तीनों में कॉमन पार्ट्स हैं ये ऐड हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नंबर ऑफ बी में भी वो पार्ट्स आएगा, बी में भी वो शामिल है और सी में भी हम लोग का क्या है वो पार्ट शामिल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर तीनों का यूनियन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ए यूनियन बी देखिए ये वाला पार्ट क्या हुआ है दो बार ऐड हुआ है, कितना बार ऐड हुआ है दो बार, जब एक बार ए को ऐड कर रहे थे और एक बार बी को ऐड कर रहे थे, दैट मीन्स एक बार उसको हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा पार्ट आ गया ये पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी पार्ट हम लोग का क्या हुआ दो बार ऐड हुआ, एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ, दैट मीन्स उसको हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी में भी ये जो पार्ट है हम लोग का दो बार ऐड हुआ, एक बार ए के साथ और एक बार सी के साथ, दैट मीन्स ये पार्ट भी एक बार घटाना पड़ेगा। और ये पार्ट देखिए फ्रेंड्स कितना बार हम लोग का घट गया है, जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हटा रहे थे तब भी वो घट गया था, जब हम लोग इसको घटा रहे थे तब भी घट गया था, और जब इसको घटा रहे थे तब भी वो पार्ट घटा था, दैट मीन्स हम लोग उसको जो है ना ऐड कितने बार किए हैं, ये जो सेक्शन वाला पार्ट है इसको हम लोग तीन बार ऐड किए हैं, कितने बार ऐड किए तीन बार, लेकिन ये जो है ना दो बार घट गया, तो एक एक इसमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं भी हमको ए यूनियन बी यूनियन सी पूछे तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसको हम लोग एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग का ए में क्या हो जाए कोई एलिमेंट, सपोज दैट वन टू थ्री आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। बी में हम लोग का कौन सा एलिमेंट आ गया कि सपोज दैट थ्री फोर फाइव ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और सी में हम लोग का कौन सा एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज दैट हम लोग क्या ले लिए फाइव सिक्स सेवन। तो हम लोग देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ थ्री कॉमन आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो एक रहा। बी इंटरसेक्शन सी के तो भी हम लोग का एलिमेंट कितना रहा वन रहा। अगर ए इंटरसेक्शन हम लोग सी करें तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा जीरो। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी करें तो क्या हो जाएगा वन टू, अगर तीनों का यूनियन निकालें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे फ्रेंड, देखिए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए सेवन हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हम लोग का क्या हो गया सेवन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर ऑफ ए हम लोग का कितना है थ्री है, नंबर ऑफ बी कितना है थ्री है, नंबर ऑफ सी कितना है थ्री है, ए इंटरसेक्शन बी में वन है, बी इंटरसेक्शन सी में वन है, और ए इंटरसेक्शन सी में क्या है जीरो है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में कौन सा पार्ट एलिमेंट कॉमन है, कोई नहीं है, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया हम लोग का जीरो। तब देखिए क्या थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस नाइन, नाइन में से दो घटा देंगे तो हम लोग का क्या बच जाएगा सेवन, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी सी, तो उसका क्या हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी,
अब क्या है कि अगर किसी एक में देखना है कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो क्या जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस टू टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस टू टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस सी माइनस टू टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और तीसरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये किस चीज़ के लिए हम लोग यूज करेंगे, जब एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स में निकालना है कि ए बी सी में क्या होगा, ठीक है। और ये कितना है, एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स में निकालना है कि ए बी सी में कोई भी दो सेट लेते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। नेक्स्ट है कि हम लोग का ए डैश अगर हम लोग बी डैश निकालें, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि वो ए डैश में भी ए में नहीं होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए, तो उसका यूनियन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, जो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट नहीं लेना है, तो यूनिवर्सल सेट में हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्या फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट उसी का उल्टा, जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नाइन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं जो कि सेट थ्योरी में यूज होते हैं। थैंक यू।